हाँ जी रुबाई नाम से राइड आपकी थी मैडम? हाँ जी। बैठिए। ओटीपी बताना मैडम। हाँ भैया अभी बता रही हूँ। 6167। भैया जल्दी चलना, ये नेट हो रहा है हमें। ठीक है मैडम। बस बस भैया साइड में रोक दो आप। चंद साहब उधर। हाँ भैया कितने रुपए हो गए आपके? अभी चेक करता हूँ मैम। आपके 500 रुपए हो गए मैम। भैया कैश तो नहीं है हमारे पास। साहब हमारे पास कैश है क्या? नहीं यार मेरे पास भी नहीं है। नहीं है भैया, आप ना स्कैनर ही दे दो, हम पे कर देते हैं। अच्छा तो मैडम स्कैनर रहने दो, आप मेरे नंबर पर पैसे भेज दो। ठीक है भैया आप अपना नंबर बता दें। 9278387509। सौरव सोनी ऑफिस के नाम से भैया? हाँ मैडम। ओह शिट भैया। क्या क्या हो गया मैडम? भैया आप अपना मैसेज चेक करो ना, मैंने गलती से आपको 500 की जगह 5000 भेज दिया, आप एक बार चेक करो। ठीक है मैडम मैं चेक करता हूँ। हाँ मैडम ये मैसेज तो आया है 5000 रुपए क्रेडिट का। हाँ भैया 20 की जगह गलती से 30 टाइप हो गया भैया। भैया आप प्लीज आप मुझे 4500 रुपए रिटर्न कर देंगे? हाँ हाँ मैडम क्यों नहीं, ये आप ही के पैसे हैं, आप स्कैनर दिखा दीजिए मैं पेमेंट कर देता हूँ आपको। मैडम चेक कर लीजिए आ गए होंगे पैसे। हाँ हाँ आवाज आ गई है तो पैसे भी आ गए होंगे भैया। ओके हम चलते भैया। थैंक यू भैया। हाँ वीरू बोल। भैया कहाँ हो आप? मैंने आपको पहले बताया था ना कि माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो रही है। हाँ भाई मुझे पता है, मैं वही पैसे जोड़ रहा था इसलिए रात को भी ड्यूटी करी और पूरे दिन भर भी ड्यूटी की मैंने। अच्छा बता ना कितने पैसे हुए? भैया 5000 रुपये। अच्छा तू रुक, मैं अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है तू जाके दवाई ले आइयो माँ की। इनसफिशियंट बैलेंस? ये इनसफिशियंट बैलेंस को बता रहा है? एक बार बैलेंस चेक करता हूँ। अरे ये क्या 500 रुपये? 500 रुपये कैसे रह गए? अभी दिन में तो मैडम ने 4500 रुपये भेजे थे। एक बार अपनी अकाउंट हिस्ट्री चेक करता हूँ, स्टेटमेंट में तो पता लग ही जाएगा। ऐसे तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, मतलब मैडम ने पैसे भेजे ही नहीं थे। मतलब मैडम ने मेरे साथ स्कैम कर दिया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम कर दिया दोनों ने, अब मैं क्या करूँगा? माँ को दवाई, अगर माँ की दवाई टाइम से नहीं दी तो क्या होगा? सौरभ क्या हो गया, क्यों परेशान है? यार क्या बताऊँ मैं, सुबह मैंने एक राइड की थी, दो मैडम मेरी गाड़ी में बैठी थी, उसके बाद उन्होंने पेमेंट गलती से कहा कि मेरे को ज़्यादा भेज दिया है और मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम कर दिया पूरे 4500 रुपये का। अब मैं क्या करूँगा, छोटे भाई का कॉल आया कि हॉस्पिटल में दवाइयों की ज़रूरत है और आज देनी ज़रूरी है मम्मी को, नहीं तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। सौरभ यार तेरे को ध्यान रखना चाहिए था, तुझे मालूम है ना आजकल ऑनलाइन फ्रॉड कितने ज़्यादा हो रहे हैं। चल कोई बात नहीं तू टेंशन मत ले, ले ये 5000 रुपये, आखिर माँ तो माँ होती है ना। आगे से मैं ध्यान रखूंगा और थैंक यू सो मच। इस तरह के फ्रॉड लोगों से हमेशा बच कर रहे। क्या आपको लगता है कि इन तेज लड़कियों ने इस बेचारे कैब ड्राइवर के साथ बिल्कुल गलत किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना।